दोस्तों आज जो लाए हैं बहुत बड़ा जीनिस लाया हूँ आप लोगों के लिए, तो ज्यादा सवाल ना करते हुए पहले देख लीजिए और इसके बाद जो है जो मैं बताऊंगा नहीं वो सवाल करिएगा। तो अगर आप देखते नहीं हो और सवाल करते हो फिर कहाँ से मैं रिप्लाई दूं ये बताइए। तो ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए, अगर आप प्लम्बर हो आपके लिए तो काम का ही है, बाकी अदरवाइज जैसे कि बहुत लोग होते हैं उन लोगों का भी काम का है जो अभी बताऊंगा। सबसे पहले हम इसे खोल लेते हैं। खोलने के लिए हम सिंपल से क्या करेंगे, फाड़ेंगे इसे, जो यहाँ चक्कू है ठीक है, तो इसे मैं क्या करता हूँ फाड़ लेता हूँ। तो ये निकला है खजाना, यहाँ देख लीजिए आप पूरा इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है। ये है आपका कार्टून सेफ्टी की ये सोल जिसे बोलते हैं हम, तो ये तो फिलहाल अभी काम का नहीं है, नीचे रख देते हैं। और यहाँ आप देख सकते हो काफी सारा चीज है। सबसे पहले हम कैटलॉग निकालेंगे, इसमें हम देखेंगे इसमें क्या क्या है। ये तो बस यहाँ पर आपका मतलब जो इंस्टॉलेशन होएगा, ये असेंबल कैसे होता है उसका सिस्टम बताया है, तो वीडियो बना रहा हूँ तो ये दिखाने की जरूरत नहीं है, बाकी इतना सारा पढ़ सकते हो तो पढ़ लीजिए। अब जो है यहाँ देख लीजिए, पहले हम स्टैंड निकालते हैं और ये है कोर कटिंग। और इसमें सबसे खास बात क्या है वो आप लोगों को पता चलेगा, ये मैं फिलहाल नीचे रखता हूँ, अभी बहुत सारा चीज दिखाऊंगा और बहुत सारा चीज बताऊंगा। ये है आपका कोर कटिंग का, जो इसमें मशीन लगता है, जो भी नाम हो फलाना ढिमक का ठीक है, पर आप कोर कटिंग करते हो तो आप लोगों को पता है ये क्या चीज है। बाकी ये रहा आपका कोर कटिंग मशीन, यही जो है इसमें आपका दो फायदा है। दो फायदा क्या है पहले हम खोल लेते हैं इसे। ओके ये देख लीजिए, हाँ कम से कम 7 किलो वजन होएगा इसका, तो ज्यादा भी नहीं है, आप हाथ में भी होल्ड कर सकते हो, तो यही फायदा है इसका। जो मैं इसे निकाल लेता हूँ, बाकी इसके अंदर जो है आप देख लीजिए, यहाँ पर एक चीज दिए है जो सपोर्ट के लिए, और यहाँ पर इसका नट वगैरह दिया है लगाने के लिए, अटैच करने के लिए हैंडल है, और ये भी हैंडल है एडजस्ट हैंडल, ये आपका हैंड हैंडल जो हाथ में आप ब्लेंस कर सकते हो ठीक है। तो इतना सारा निकाल लेते हैं, और बाकी कुछ है क्या नहीं, और बाकी कुछ भी नहीं है, तो हम इसे फिलहाल साइड करते हैं कार्टून को और दिखाते हैं आपको। तो भाई साहब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या मालूम है ये कोर कटिंग मशीन का, ये जो कोर कटिंग मशीन है ये आपका 2-in-1 है, मतलब दो सिस्टम से काम कर सकते हो। यहाँ जानकारी जो है, ये जो आप देख रहे हो ये है मैन मशीन, आप ये स्टैंड है ओके, तो स्टैंड में तो आप कहां कर सकते हो, जहां कॉन्क्रीट होता है, कॉन्क्रीट होल के लिए स्टैंड लगता है, बट ब्रिक होल के लिए जो स्टैंड वाला रहता है उसमें आप ब्रिक होल नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये जो आप लगाएंगे ब्रिक होल में ये आपका क्या है निकल जाता है, ब्लेंस नहीं होता है, ऐसे बहुत सारा इंसिडेंट आया है जो हाथ में भी गिर चुका है। तो इसके वजह से ये जो है हैंड वाला है, मतलब 2-in-1, इसे आप खोल कर आप अपने हाथ में ऐसे रखकर ड्रिल कर सकते हो, होल कर सकते हो, ये चीज का ये फायदा है। और आप कॉन्क्रीट में भी कर सकते हो बीम, चाहे जितना बड़ा हो, इसका पाना जितना लंबा साइज का लगता है उतना, ये जितना है उसमें ओके, तो वो भी हम सब बताएंगे यहाँ। तो यहाँ देख लीजिए और भी चीज, ये हो चुका है, इसमें आपका क्या क्या अंदर दिया है पहले हम दिखाते हैं। इसमें आपका नट दिया है, यहाँ पर सब नट वगैरह एलन की इस सब दिया है, तो एक एक चीज जो है इस सब आपको असेंबल करना बहुत ही आसान है। यहाँ सबसे पहले जो है हम इसे लगाते हैं, इसका लगाने का सिस्टम जो है दोनों साइड से तो लगेगा नहीं, ऐसे आपको रखना पड़ेगा किसी भी एक साइड से, देखते हैं हाँ ये लग चुका है ओके। आप इसमें जो है आपका यहाँ नट वगैरह सिस्टम एलन की दिया है, मतलब आपको जब भी नया मिलता है तो ये थोड़ा सा जो नट वगैरह है ना इस सब लूज करना पड़ेगा, इसके लिए आपको पाना साथ में आता है ओके। और ये जो आपका चार नट है, ये चार नट जो है आपका यहाँ लगता है, जो आप ट्रैक बोल्ट मारते हो एंकर बुलेट 5 नट मार के इसे स्ट्रेट स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के बाद ये लगता है ताकि ये आपका नड़े ना, ये चीज हो गया। और ये जो है आपका ऊपर लगता है यहाँ पर, इसका आप यहाँ थ्रेड देख सकते हो, ये थ्रेड में आपका यहाँ पर लगेगा। और ये क्यों लगेगा, क्योंकि अगर आप कभी भी हथौड़ा वगैरह थोड़ा बहुत एडजस्ट करने के लिए लगता है तो इसमें जो है आप हथौड़ा नहीं मार सकते, ये बेंड हो जाएगा तो आपका प्रॉब्लम करेगा, इसलिए ये एडवांस दिया है ताकि यहाँ आप अटैच करके इसे आप यूज कर सकते हो अपनी आराम से ठीक है। ये हो चुका है, अब जो है देख लीजिए यहाँ पर 2-in-1 सिस्टम में सबसे पहले यहाँ जानकारी जो है, यहाँ देख लीजिए ये है एक बल्ब जो पानी आएगा, पानी किस में आएगा, जो आपका डायल लगेगा पाना
कोर कटिंग पाना, इसके अंदर से पानी जाएगा ओके। और यहाँ पर इसका ये चीज़ दिया है जो आपको पाइप खुद को खरीदना पड़ेगा, ये आपका उस साइड लग जाएगा बाल्टी वगैरह बकेट वगैरह में आपको रखने के लिए ओके, लगा सकते हो और अंदर से पानी जाता जाएगा। ये तो कप बहुत अच्छा चीज़ है। और यहाँ पर इसका आरपीएम का हम बात करें, मतलब कितना घूमता है, क्या क्या सिस्टम है, तो यहाँ पर जो है आपका, यहाँ जो है 2200 वाट का आपका मशीन है और 1200 का आरपीएम है, मतलब 1200 आरपीएम बहुत अच्छा है आपके हिसाब से। आप भी जानते हो जो नॉर्मल कोर कटर मशीन आता है स्टैंड वाला, उसमें भी आपका 1200 आरपीएम मिलता है ठीक है। तो यहाँ और एक चीज है, इसमें वाटर प्रूफिंग सिस्टम दिया है स्विच बोर्ड का ऑन ऑफ करने के लिए, जो आप इसे लॉक कर सकते हो, लॉक करने के बाद आप चाहे तो यूज कर सकते हो, खुला रख सकते हो। वाटर प्रूफिंग मतलब पानी यहाँ गिरेगा तो ये लगाने के बाद आपका पानी अंदर नहीं जाएगा, ये सेफ्टी हो चुका है। ये हैंडल है, इसके लिए आपका एलएमटी पाना दिया है, इसमें से तीन में से कोई एक लगेगा, ये वाला लग गया ओके। हाँ आप इसे जो है यहाँ अटैच कर सकते हैं, इसमें दो सिस्टम है, यहाँ देख लीजिए आप, ये जो है आपका, इधर भी आप हैंडल लगा सकते हो ये वाला, और इस साइड भी लगा सकते हो ठीक है। तो इसे कहीं पर भी आप अटैच करिए अपना पोजीशन के हिसाब से। ये निकल गया, निकलने के बाद इसे आपको ऐसे फिटिंग कर लेना है। इसे हम फिटिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इसमें मशीन लगा सके और पाना भी लाए हैं जो हम आपको दिखाएंगे। ओके, ये फिटिंग हो चुका है, अब इसे आप अप डाउन कहीं पर भी कर सकते हो। तो इसमें हम यहाँ और एक चीज देखेंगे, एक नट दिया है, मतलब अगर ज्यादा लूज हो जाता है तो इसे आप टाइट कर सकते हो यहाँ पर इस नट से ओके। इसे आप टाइट कर देंगे तो क्या है आपका एडजस्ट के हिसाब से वो रुका रहेगा मशीन। तो अगर आप यहाँ पर ये लगाना चाहते हो ना, ये मशीन इसमें टू इन वन सिस्टम क्या है, ये अगर आप यहाँ लगाना चाहते हो तो इसका देख लीजिए, यहाँ पर भी एलिंग की दिया है। इसे हम पहले खोलेंगे, और भी बहुत सारा चीज है जो बताएंगे, तो इसे हम खोल लेते हैं। इसे खोलने के बाद ये निकल गया, इसका वाइसर वगैरह आपको रखना है ध्यान से ओके। अब इसे आपको पहले निकाल लेना है, इसमें आपका टू इन वन सिस्टम दिया है वो, हाँ ना, इस यहाँ पर आप देख लीजिए, ये दोनों दो होल है, यहाँ पर एक होल है ओके, और यहाँ पर एक होल है, मतलब टू इन वन है, आप एडजस्ट कर सकते हो हैंड वाला में भी। तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ लगा देते हैं ओके, देख लेते हैं इसका सिस्टम कैसा है। ये लग गया है, यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ एलिंकी दिया है, मतलब ये जो आपका टाइट है लूच है, तो आप यहाँ पर एलिंकी से इसे आप टाइट कर सकते हो, जो पाना है आपका, इससे आप इसे यहाँ पर टाइट करने के बाद ये और घूमेगा नहीं, बस ये टाइट हो चुका है। टाइट होने के बाद देख लीजिए और इधर उधर नहीं हो रहा है, तो ये हो चुका है स्ट्रॉन्ग। आप अपने हिसाब से क्या करेंगे, इसे ऐसे रखेंगे, ऐसे रखता हूँ, से आप अप डाउन कर सकते हो, जो अपना होल करने के लिए काफी इजी होएगा। और यहाँ पर हम पाना लगाते हैं, जो लाए हैं वो दिखाने के लिए आपको, पाना लगेगा कि नहीं इसमें ओके। तो ये आपका लग चुका है, यहाँ आप पाना से टाइट दे सकते हो, बाकी आप होल करने में काफी आसानी हो गया ओके। इसका सिस्टम हो गया, यहाँ पर जो है आप लोगों को पता है, कोर कटिंग में अगर कभी भी करते हो मिडिल में भी आपको टाइप करना पड़ता है ये नया एडजस्ट के लिए। तो ये चार नट है इसमें, तो ज्यादा तो नहीं है, चार कॉर्नर के लिए दिया है, चाहे तो आप तीन भी लगा के मिडिल में एक लगा सकते हो। तो आप लोग खोल किए हो तो आप लोगों को पता है, और जरूरत है तो ये जो है आप लोगों के लिए काफी बेस्ट है। मैं ये वीडियो इसलिए बनाया हूँ क्योंकि इसमें टू इन वन सिस्टम है। अब प्लम्बर्स जो है, बहुत सारे प्लम्बर्स कोर कटिंग मांगते हैं, जो कोर कटर मुझे चाहिए, बट दो कोर कटर खरीदते हैं, किसलिए, इसलिए जो एक ये वाला हो चुका है आपका कंक्रीट वगैरह में, और कहीं पर भी ब्रीक होल करते हैं तो ब्रीक होल में क्या होता है, ये आपका लगता नहीं, जो आपका दूसरा कोर कटिंग मशीन है उसका बात कर रहा हूँ, वो आपका ब्रीक होल में काम नहीं करता क्योंकि रिक्स रहता है, इसके वजह से ये जो है आपका सिस्टम होता है। तो इसे हम खोल लेते हैं और हैंड में कैसे यूज करना है वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पर जो है हम मशीन खोल लिए है, जो चीज इस काम के लिए लग रहा था उस सब हम इस साइड कर देते हैं, और बाकी जो है ये हैंडल है ओके।
और यहाँ पर एयरिंग का पानी लगेगा, और दो जो है एक्स्ट्रा कार्बन है जो आपका मतलब मेंटेनेंस करने के लिए, कभी मशीन का कार्बन खत्म होता है तो ये आप यूज कर सकते हो, दिया जाता है। ओके, यहाँ आप देख लीजिए चार स्क्रू है, ये चार स्क्रू जो है ये हैंडल है ना अपना, ये आप लगा कर रख सकते हो कहाँ पर, यहाँ आप क्या करेंगे ऐसे लगा सकते हो इसमें। तो हम इसे टाइट कर लेते हैं, ये हो चुका है हमारा टाइट। अब इसे जो है क्या करेंगे हम, इसमें देख लीजिए ये जो है आपको अटैच करना पड़ेगा, कौन सा, ये वाला, नाम पता नहीं, सिंपल सी बात है, जो पता नहीं वो मैं बोल देता हूँ, कोई शर्माने की चीज नहीं है, कोई लड़की नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, इसे हम फिर से इस नट पे लगा देते हैं। ओके, ये जो है आप, मैं बोल रहा था ना, यहाँ देख लीजिए आप, ये होल आपको देखना है, यहाँ देख लीजिए ये जो होल है, ये होल में आप एक परफेक्ट कर सकते हो, या फिर इसका सेकंड होल है जो मैं बता रहा था आपको, यहाँ पर इस होल में आप क्या करना है, आपको लगाना है ऐसे, आपके हिसाब से आपको लगाना है जिधर आप चाहते हो, क्योंकि दो सिस्टम से दिया है आपका हैंडल पकड़ने के लिए, मतलब आप जो पकड़ेंगे वो किस साइड से पोजिशन हो रहा है आपका, जो मैं इसे पहले लगा देता हूं फिर आपको समझ में आएगा। एक साइड ऐसे लगा देना, आप लगाने के बाद यहां पर आप ये वाला जो हैंडल है आपको यहां पर क्या करना है, लगा देना है। ओके, इसे लगा दिए, आप क्या देख लीजिए, पाना भी मैं लगा देता हूं ताकि और भी आप बेहतरीन समझो, ये लग चुका है, अब पकड़ना है और आपको मारना है दीवार में। अब यहां पर एक चीज है, देख लीजिए मैं जो ये पीछे वाला लगाया हूं, ये जो है अब अपना क्या है, शोल्डर में यहां पर रख सकते हो ना, ऐसे ये शोल्डर में रख सकते हो, बाकी तो पूरा पसीना हो गया है, वीडियो को इतना मेहनत गया है तो आपको लाइक भी करना बनता है, ऐसे लगा के आप शोल्डर में रख सकते हो। बाकी इसका और एक हैंडल है जहां आपका पोजिशन के हिसाब से लगाना है, एक तो ये हो चुका है, एक यहां पर, यहां पर आप लगा दीजिए। लगाने के बाद आप क्या करिएगा, आपका अगर यहां पोजीशन होता है तो यहां, यहां से आपका उतना तो पोजीशन नहीं रहेगा, बट यहां पर ये जो देख रहे हो ना, इसके स्ट्रेट में यहां पर आ रहा था, ये लोकेशन मैं यहां चेंज किया हूं, मतलब ये जो है टू स्टेप यहां दिया है ताकि आप जो है मैं ये समझा सकूं एक ही बार में, ये वाला स्टेप इसके स्ट्रेट में यहां था, ये हैंडल यहां भी लगा सकते हो यूज करके, और बाकी यहां पर भी आप लगा सकते हो, और अगर आप घुमाएंगे तो शायद थोड़ा सा इधर उधर भी आप एडजस्ट कर सकते हो, जो मैं ट्राई नहीं किया, जो दो सिस्टम से हो सकता है ये तो पक्का है। तो ऐसे आपको लगाना है, फिर आप कहीं पर भी रखकर आप अपना आराम से ब्रीथ होल कर सकते हो इसके सिस्टम से। तो चलिए एक बार हम मशीन भी चालू करते हैं और इसका सिस्टम कैसा है वो हम देखते हैं, ठीक है, अटका एक टू बंद कर दे। तो यहाँ पर देख लीजिए ये जो है पाना मैं टाइट नहीं किया हूँ, तो इसे मैं ऐसी नॉर्मल स्पीड में चलाऊंगा ताकि कैसा सिस्टम है वो देखूंगा, नॉर्मल स्पीड में चलता है कि नहीं। सुनिए जरा कितना धीरे धीरे पहले घूम रहा है, देखिए मतलब आप अपने हिसाब से पहले धीरे धीरे अपना होल बना सकते हो, जो ब्रीक होल करने में अगर पूरा स्पीड में पहली बार घूमेगा तो आप ब्रीक होल में परेशानी हो जाएगा आपको थोड़ा सा, तो स्लोली स्लोली आप कर सकते हो, जैसे कि यहाँ देख लीजिए स्पीड बढ़ाता हूँ थोड़ा सा, ये मैं काफी कम कर रहा हूं क्योंकि ये जो है मेरा टाइट नहीं है, अगर ज्यादा घुमाऊंगा तो शायद ये ब्लेंस नहीं हो पाएगा और ये खुल भी सकता है ना, इसलिए तो काफी स्पीड है, मैं इसे खोल लेता हूँ फिर दिखाता हूँ तो काफी कितना घूमेगा, कितना स्पीड में ये मशीन चलता है वो दिखना चाहता हूँ मैं, ठीक है। और इसका प्राइस जो है 17,500 है लगभग, ऑनलाइन का प्राइजेस जैसा है या ऑनलाइन में इससे ज्यादा भी मिलता है, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, नंबर है डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप कॉन्टेक्ट करिए, आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, लेकिन पेमेंट आपको पहले करना पड़ेगा, ईमानदारी से कोई धोखा नहीं होएगा, ये चीज जो है हम अगर वीडियो बनाते हैं आपको बिलीव करना पड़ेगा, बिलीव अगर आप हमेशा वीडियो देखते हो तो आपको पता है जो मैं क्या करता हूँ, कोई धोखाबाजी वाला तो बात ही नहीं करता। तो यहाँ पर जो है इसे मैं खोल लेता हूँ, ओके, अब चलिए धमाका देखते हैं।
दोस्तों आप देखे हो ये जो मशीन है ना, टू इन वन वर्क है, एक फायदा जो ब्रेक होल में भी काम करेगा। एक स्पीड जो है इसका बहुत ही अच्छा है, आप स्लोली स्लोली घुमा के स्पीड कर सकते हो, और आप अपने बीच में कंक्रीट में भी कर सकते हो। प्राइस जो है 17,500 है, जो आपको बता चुका हूँ, और आप ले सकते हो, खरीद सकते हो, क्योंकि जो आपका नॉर्मल कोर कटर आता है इतना बड़ा साइज का, तो उसमें जो है आपका प्राइस वो भी ऐसे ही लगभग है, शायद 1,000-2,000 कम हो सकता है, बाकी तो ज्यादा कम नहीं होगा आइडिया से मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं भी पता किया हूँ इसके बारे में, इसके वजह से। बाकी अगर कुछ छूट गया है छोटा मोटा जानकारी तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। पसीना में तो पूरा नहा चुका हूँ, फिर मैं यूज करूंगा आप लोगों के साथ, आप लोगों के पास किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।